हेलो एवरीवन, 90 डेज चैलेंज का आज डे 13 है और मैंने जो फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया आज मॉर्निंग स्लॉट में वो है पॉलिटी, जो कि जीके में आता है स्लॉट 1 में, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। आई मीन हिस्ट्री से भी ज़्यादा पॉलिटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए। मुझे जूरी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था बीच में, क्योंकि उसे शायद कुछ खाने को चाहिए था, तो उसने मुझे पढ़ के आना पड़ा यहाँ पे। आप लोग को यही लगता होगा ना कि मैं जैसे मॉर्निंग स्लॉट में 8 बजे से कंटिन्यू 1 बजे तक पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आप देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रक्शन होते रहते हैं मेरे को। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, वो भी फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। आप में से काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जो मैं जीके की बुक्स यूज़ करती हूँ, जो कि है मेरी युक्ति पब्लिकेशन की, मेरी हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों की मैंने युक्ति पब्लिकेशन की बुक ले रखी है। और इन बुक्स में क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी है, जो जैसे 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे रखे हैं। और एक ये जो लाइन्स है ना, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए हैं, ये सब के सब एनसीईआरटी के हैं। तो मैं ये बुक, जैसे काफ़ी लोग के पास नहीं है, तो आप लोग बोल रहे थे कमेंट में कि मैं ये बुक के पेजेस शेयर करूँ जो मैं डेली पढ़ती हूँ। तो मैं जैसे चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ा करूँगी जीके, मैं शेयर कर दे रही हूँ, और जिसको प्रॉब्लम हो, जिसके पास पहले से, वो स्किप करते हैं, अदरवाइज ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए अगर आप देख भी लेंगे। तो मैं आज से अगर जीके जब भी पढ़ा करूँगी, तो मैं जिस चैप्टर को पढ़ूंगी वो मैं शेयर कर दिया करूँगी वीडियो में, ठीक है? ओके, थैंक यू। देखिए, ये रहा फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने करा है, वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें क्या आप देख सकते हैं, वन लाइनर की फॉर्म में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो अगर आप इतना कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तो इतना बहुत ही मतलब सही रहेगा, इतना सफिशियंट है पेपर के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के हैं। तो मतलब हम बिल्कुल मतलब बिना सोचे हम इसको देख सकते हैं। और काफ़ी लोग के पास युक्ति बुक नहीं है, तो आप लोग डेली यहाँ से देख लीजिएगा ये, जब जब मैं ये वाला सब्जेक्ट करा करूँगी जीके। और फिर मैंने सेकंड स्लॉट में पढ़ाई शुरू कर दी, जो कि है मैथ्स। मैथ्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स खुद में 20 नंबर का आता है। तो मैंने इवनिंग स्लॉट में मैथ्स करा था, और जो मेरा जो टॉपिक था वो बहुत ही इजी टॉपिक लिया था, जो कि है यूनिट डिजिट। क्योंकि यूनिट डिजिट हम लोग को लगता है बहुत ईजी है, मुझे खुद लगता है, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था तो मेरा सॉल्व नहीं हो पाया था, मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो मैंने यूनिट डिजिट को पहले अपने नोट से कंटिन्यू पढ़ाई करना शुरू करा, और फिर मैंने आप लोग के लिए जो प्रीवियस ईयर का जो मैथ्स का है, मैंने थोड़े से क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर लगाए हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं लास्ट में ये देख सकते हैं। यूनिट डिजिट का ये क्वेश्चन है, मेरे से सॉल्व पता है एक बार में नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, आप लोगों से होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक